नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमन डायरी। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग करने जा रहे हैं हम। आज मैं शूट कर रही हूँ मिंत्रा हॉल वीडियो। तो मैंने कुछ सूट्स और कुर्ते ऑर्डर किए थे मिंत्रा से, कुछ एक दो हैं जो मैंने एक बार वियर भी कर लिए, वॉश करके भी चेक कर लिए उनको। तो आपके साथ उनका जेन्युइन रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये मैंने खुद अपने पैसों से लिए, खुद चूज़ करके लिए एक एक चीज़। तो आई होप अगर आप अपने लिए भी देख रहे हो तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सारे कुर्ते, कुछ मैंने अनपैक कर लिए, कुछ इसमें एनवलप में ही है। आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से पैकिंग में आते हैं ये, और अंदर एक पॉलीथीन लगा होता है। इस तरह से पैकिंग में आते हैं मिंत्रा के जो ऑर्डर आते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए रखा था ये पैकिंग ऐसी एज इट इज़ ही, कि आपको बता सकूँ मैं कि किस तरह से पैकिंग में आते हैं। तो ये है देखिए, कुछ इस तरह से हैं ये सारे कुर्ते अनारकलीज। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस तरह से रिसीव हुए थे, कौन सा ब्रांड मैंने मंगाया था, कितने का मुझे मिला था हर एक चीज़। तो एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पैकिंग दिखा देती हूँ, पैकिंग किस तरह से आई थी। तो पैकिंग इस तरह से आई थी, और अंदर इस तरह से एनवलप में ये प्लास्टिक का जो होता है इसमें आई थी पैकिंग होके, और बाहर ये पेपर का होता है बैग। तो फर्स्ट इसको दिखा देती हूँ ओपन करके। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाई थी टी शर्ट, कुछ जेंट्स लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताऊँ तो मीबू की चॉइस थी ये, मीबू ने अपने पापा के लिए चूज़ की है ये वाली टी शर्ट। तो ये है कुछ इस तरह से, ये 500 के आसपास मुझे मिली है, और मस्ट एंड हार्बर ब्रांड है इसका, और ये कुछ मीडियम साइज़ है। तो इस तरह से है ये कुछ लुक इसका, वाइट स्ट्रिप्स हैं और कॉलर वाली नेक है इसकी, ये देखिए। और यहाँ से ये जो आर्म्स है यहाँ भी इलास्टिकेटेड है। तो इस तरह से अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका भी। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 500 के आसपास ही थी। तो नेक्स्ट जो कुर्ता मैंने लिया था ये है इस तरह से, इसका जो साइज़ मैंने लिया था 38 लिया था, और एम साइज़ मुझे आता है, मेरी हाइट 5 फीट है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से आ जा रहा है ये। मतलब थोड़ा सा लूज़ है, बट क्या पता इसका कपड़ा जो है वो श्रिंक हो धोने के बाद, अभी मैंने वॉश नहीं किया इसको। तो इस तरह से है ये, ए लाइन कुर्ता है ये, और इसमें देखिए ये बटन दिए हुए हैं, वुडन के बटन है ये, लकड़ी के बटन है, और यहाँ पर छोटी छोटी देखिए ये वाइट कलर की लेस लगी हुई है दोनों साइड, और ए लाइन है। तो ए लाइन जो है वो मेरी बॉडी टाइप को काफ़ी ज़्यादा शूट करता है, मेरी पियर बॉडी शेप है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया था। और यहाँ पर जो है नेक इसका इस तरह से है, कॉलर मतलब सेमी कॉलर क्या बोलते हैं इसको, तो ये नेक इस तरह से है इसका। और ये जो बटन आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये भी हम बंद कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं, तो जैसे भी आपकी चॉइस हो। और जो इसकी स्लीव्स है वो मुझे एल्बो तक आती हैं यहाँ तक, और इसमें भी देखिए बटन दिया हुआ है थोड़ा सा फोल्ड करके आर्म्स के ऊपर, और प्रिंट भी काफ़ी सुंदर है, गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए प्रिंट इसका कुछ फ्लावर प्रिंट बना हुआ है वाइट कलर का, और येल्लो सा कलर है इसका। फोटो में वीडियो में अच्छा कुछ और जैसा दिख रहा है, येल्लो दिख रहा है, बट ये येल्लो नहीं है, येल्लो नहीं बोल सकते इसको, मेहंदी जो कलर होता है उसका बिल्कुल लाइट सी शेड है, जो मेहंदी कलर होता है वैसी शेड है इसकी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पहन के भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए आप ले सकते हैं इसको। ये मुझे मिला था 548 समथिंग, 550 रख लीजिए आप, उसके आसपास मिला था, क्योंकि मिंत्रा पर सेल लगी थी तो मैंने तभी ऑर्डर किया था इसको। और नेक्स्ट है ये वाला कुर्ता, ये भी स्टाइलम ब्रांड का ही है, स्टाइलम ब्रांड काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला कुर्ता, मैंने वॉश भी कर लिया एक बार, तो इस तरह से फिर मैंने तभी स्टाइलम का मंगाया, क्योंकि श्रिंक वगैरह नहीं होता है, उसका जो प्रिंट है ये भी नहीं निकलता है ज़रा भी धोने के बाद। और यहाँ से बीच में से कट है इसमें, इसमें भी जो बटन है वो वुडन के तो नहीं है, प्लास्टिक बटन है, बट ब्लू कलर के बटन है यहाँ पर दिए हुए, और इसका भी नेक एज इट इज़ सेम है उसकी तरह ही, और स्लीव्स इसकी 3/4 है, ये भी एज इट इज़ वैसी सेम स्लीव्स हैं, और ये इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मीडियम साइज़ है मेरा, और हाइट मैंने आपको बता दी 5 फीट, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
ले सकते हैं, अच्छे हैं, जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आपने लेने हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ता है मेरा, ये मैंने लिया है, देखिए अनन्या ब्रांड है इसका, और ये अंगरखा पैटर्न है, काफ़ी सुंदर लगता है पहन कर ये। और यहाँ पर देखिए 4 बटन दिए हुए हैं यहाँ पर, और इसको इस तरह से यहाँ पर भी जो गोटा पट्टी लगी हुई है, और इस तरह से है कुछ, ये भी ए लाइन कुर्ता है, ये भी अंगरखा अनारकली बोल सकते हैं आप इसको, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं आप। और इसमें भी यहाँ पर भी बाजू के ऊपर भी हल्की सी गोटा पट्टी है, और इसकी जो बाजू की शेप है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़ी सी ए लाइन टाइप है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पहनकर। तो इस तरह से है ये, और साइड में डोरियाँ भी लगी हुई हैं, पर डोरियाँ जो हैं इसकी वो अंदर वाली साइड को है, वो टाई करने के लिए लगी हुई है इसमें। इसमें कोई अंदर से स्टिचिंग वगैरह नहीं है इस कुर्ते में, इसमें डोरियों से ही स्टिच होता है अंदर को। तो इस तरह से बांधनी प्रिंट है इसका, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है, वाइट कलर के प्लाजो के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। मैंने आपको जो स्टाइल करने की ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में, कैसे कैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ता है मेरा, ये है हिपोश ब्रांड का, ये मुझे कुछ ऑफर चला था तो 1500 के आसपास, जो मेरा अनन्या वाला, ये जो बांधनी प्रिंट वाला आपने देखा, ये मुझे 700 के आसपास ही मिला था, 750 के आसपास मुझे मिला था ये वाला कुर्ता। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ हिपोश ब्रांड का ये वाला कुर्ता, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि कहाँ से लिया है, कैसे, मैंने एक बार पहना था किसी फंक्शन में, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। और मतलब जो मेरी तरह के बॉडी टाइप के लोग हैं, थोड़ा सा उनका टमी फैट है, तो उनके लिए तो काफ़ी सुंदर होते हैं ये वाले अनारकली ए लाइन, जो भी आप बोलना चाहें, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से शूट करते हैं ये। और बहुत सुंदर सी कलियाँ हैं इसमें गले के ऊपर, देखिए इसका गला भी वैसे एज इट इज़ सेम है, और यहाँ पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है सारे में, और जो इसकी आर्म्स हैं, स्लीव्स हैं, इसके ऊपर भी देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई है, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ मेरे को इस तरह से आता है कुछ। इसका जो नीचे नीचे हल्की हल्की बिल्कुल बारीक सी अगर दिख रही होगी आपको, तो ये इस तरह से पैटर्न है कुछ, इसमें भी बना हुआ है, ये पूरा प्लेन नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था, यूनिक सा कलर है, तो सॉरी इसका मैंने प्लाजो नहीं दिखाया आपको, इसका प्लाजो है कुछ इस तरह से, आगे से इस तरह से है और पीछे से इलास्टिकेटेड है, इसमें पॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगी हमें, और इस सबसे नीचे से ही प्लेन। दुपट्टा काफ़ी सुंदर है इसका, दुपट्टा जो है वो इसका इस तरह से है, इसमें जो है वो वाइट, ये कुछ सितारे टाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए इसका बाहर दुपट्टे का, ये है दुपट्टा इसका, काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है, ब्रिथ भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको किसी अगर नॉर्मल सिंपल छोटा मोटा ओकेजन है तो उसके लिए वेयर कर सकते हैं, इस अनारकली को काफ़ी सुंदर लगता है, मतलब सुंदर सोबर सा है। और नेक्स्ट ये है, मैं देखिए ये दुपट्टा मेरे पास आया पहले, तो ये दुपट्टे पर देखिए गोटा पट्टी लगी हुई है, दो चारों साइड गोटा पट्टी का वर्क है, और इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी सॉफ्ट है इसका कपड़ा, गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये कुर्ता, अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ज़रूर से ले सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने देख के रखा था इसको, मैंने कार्ट में सेव किया था, फिर मैं ऑफ़र का वेट कर रही थी, कब जैसे ऑफ़र चलेगा तब मैं लूँगी, क्योंकि कलर भी बिल्कुल यूनिक सा कलर है, हर टाइम जो है वो सेम कलर पहनना भी कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ अलग सा हो तो काफ़ी अच्छा भी लगता है पहनने में। तो ये अनॉक ब्रांड का है, और मीडियम साइज़ ही मैंने इसका भी लिया है, ये इस तरह से है, देखिए इसके ऊपर प्रिंट वाइट कलर का, ये आप देख सकते हैं इसके जो प्रिंट है, ये सारा प्रिंटेड है, प्रिंटेड सूट है ये। और इसकी जो देखिए स्लीव्स है वो कुछ इस तरह से हैं, स्लीव्स के ऊपर भी यहाँ पर ये फट्टी लगाई हुई है, जो प्रिंटेड फट्टी है वो लगाई हुई है, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी। बॉटम की बात करें तो बॉटम भी देखिए इसकी कुछ इस तरह से है, इसमें ये भी आगे से देखिए प्लेन सिंपल है, और पीछे से इलास्टिकेटेड है, और इसमें भी पॉकेट दी हुई है, मुझे थोड़ा सा लंबा हो रहा है बॉटम इसका, बट कोई बात नहीं, ऊपर से फोल्ड करके ही चल जाएगा काम, या फिर इसको कटवा सकते हैं हम, नीचे से भी कटवा सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो बॉटम है उसके ऊपर भी यहाँ पर
ये दिया हुआ इस तरह से, तो ये भी काफी सुंदर है जो कुर्ता है। ये मुझे मिला था 1200 के आसपास, क्योंकि सेल चली हुई थी, ऐसे ही 1400-1500 के आसपास कुर्ता है ये वाला, कुर्ता सूट बोल सकते हैं आप इसको, तो जेन्युइन है, मतलब इतना तो चलता है। अब आपको पता है सूट्स जो है वो 1000-1200 से कम आते नहीं, उसके ऊपर से लाइनें दे तो 500-700 ऐसे लग जाता है, तो उससे अच्छा है कि स्टिच किए हुए अच्छे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सारे जो कुर्ते हैं काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, और इनका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि मैं हार्ड जो भी थोड़ा सा मुझे चुभने वाला कपड़ा होता है वो मतलब मैं पहन ही नहीं सकती उसको, और गर्मियों में खासकर हमें थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े चाहिए होते हैं, तो गर्मियों के हिसाब से सारे जो मैंने आपको बताए सारे ही काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा जो कुर्ता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तभी मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि आपको कौन सा पसंद आया, कैसे है, जो भी है, मेरी पसंद आपको कैसी लगी, तो आप बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी हेल्पफुल लगी है, तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, आप देख कर चले जाते हैं बस ऐसे, तो लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।